Hi everyone, welcome back to my channel She Vlogger and my new vlog. ये व्लॉग है ओम के बर्थडे के बारे में. आज ओम का बर्थडे है और मैं आई हूँ केक लेने. केक मैंने एक दिन पहले ही बुक कर लिया था, डिज़ाइन दे दिया था यहाँ पर, तो मैं डिलीवरी लेकर अब घर जा रही हूँ. साथ ही साथ मैं एक बुके भी बनवा करके ले जा रही हूँ, एक छोटा सा फ्लावर बुके रोजेस वाला, अच्छा सा बना कर दे देंगे भैया मुझे. मैं घर आ गई हूँ और अब मीनू भी आ गई है बर्थडे में और मम्मी भी आई हैं. मम्मी और मीनू दोनों आ चुके हैं, शाम हो गई है क्योंकि, तो अब हम मिलकर थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे. फिर देखते हैं आगे क्या होता है, थोड़ी बहुत डेकोरेशन करते हैं. तो मीनू और मैंने बलून फुलाना शुरू कर दिया है और थोड़ी बहुत डेकोरेशन करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा और मज़ा भी आएगा. बिना डेकोरेशन के इतना कुछ पता ही नहीं चलता कि घर में कुछ पार्टी है या कुछ है. तो सो वी आर डूइंग सम डेकोरेशन. ये थोड़ी बहुत हमने एक ही पार्ट डेकोरेट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा करने का हमारे पास टाइम भी नहीं था. हाय फ्रेंड्स, आज ओम का बर्थडे है तो ये मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की है. एज यू कैन सी दिस इज द डेकोरेशन जो मैंने और मीनू ने की है और अब हम वेट कर रहे हैं. दिस इज़ माय लुक, क्योंकि मेरा तो बर्थडे नहीं है तो मैंने बहुत ही सिंपल लुक लिया है. एज यू कैन सी दिस, तो अब हम वेट कर रहे हैं ओम के आने का. मैंने छोटा सा गिफ्ट लिया है जो कि मैं गिफ्ट देने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उनको क्या गिफ्ट देने वाली हूँ. तो हम वेट कर रहे हैं फिलहाल. सो बर्थडे बॉय का वेट करते करते कमज़ोरी आने लगी है. यहाँ पर गेस्टों को भी कमज़ोरी आनी आ रही है. और कैसा फील हो रहा है? क्या खाना चाहेंगे? जो भी खाना चाहेंगे वो नहीं मिलेगा. क्या खाना चाहेंगे प्लीज बताइए. हाँ जी, तो आज आपके भैया जी का बर्थडे है, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यार. बस वेट कर रहे हैं कब आएंगे और कब पार्टी शुरू होगी. स्पेशल अरेंजमेंट को डायमंड के रिंग कुछ ऐसा कुछ लिया है, कुछ कपलिंग्स वगैरह अपने डायमंड रिंग ऑर्डर करी है? आती होगी. ऑर्डर करी है? हाँ, ऑनलाइन मंगाई है. रात के 9:20 हो चुके हैं, कब आएगा आपको ऑनलाइन ऑर्डर? हाथ से माइक भी जल रहा है, घबराहट क्यों है? हाथ से माइक भी जलने लगा है. मैं ओम को देने वाली हूँ ये गिफ्ट जिसमें है स्मार्ट वॉच, एक बुके और क्या दूँगी, बहुत है. तो बर्थडे बॉय आ चुका है और केक काटने की तैयारी हो चुकी है. पहले हमने किया था लग, अब हम काटेंगे, आई मीन ओम काटेगा केक. सो आफ्टर कटिंग द केक ओम ने अपने गिफ्ट्स ओपन करके देखे जो कि मैंने, मतलब आई मीन हम सब ने, मीनू ने, भैया ने, हम सब ने मिल करके जो थोड़ा बहुत कुछ भी दिया था वो ओपन कर करके देखा उसने. और फिर छोटा सा गेट टुगेदर हमने किया. मैंने खाना नहीं बनाया था क्योंकि ओम चाहता था कि हम बाहर से ही कुछ लेकर के आए, तो वही हम खाने वाले हैं. His nature is very friendly to me always. He play
with me every game happy. He studies with me sweetly. He is very fantastic. Fantastic. He is super. सो आफ्टर कटिंग द केक हमने छोटा सा फैमिली टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया और गेट टुगेदर किया, खाना पीना खाया. सो पार्टी इज़ ओवर नाउ. अब हम पूछते हैं बर्थडे बॉय से कि कैसा लगा उन्हें हमारा डेकोरेशन और हमारा प्लान. अब हमारी सोने की तैयारी भी हो चुकी है तो बर्थडे बॉय से पूछते हैं. पार्टी बहुत अच्छी थी, अब सोने का टाइम हो गया. पार्टी में बहुत ही मज़ा आया, डेकोरेशन बहुत अच्छी थी. हाँ थोड़ा उंगली में ढीली है पर डायमंड तो मैं कुछ ना कुछ एडजस्ट कर ही लूँगा उसके लिए. तो हमारा छोटा सा व्लॉग आई होप आपको पसंद आया हो. अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग इट. बाय बाय, टेक केयर.